हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरजेई एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फिनोल, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी सी द सिंथेसिस ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी लॉन्ग पार्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल जो है वो कितने टाइप की रिएक्शंस देगा, सबसे पहले आप उसकी स्ट्रक्चर को देखिए। इन दिस पार्ट यू कैन सी दैट इज बेंजीन comes OH group, formation of phenol. First of all, reactions is comes due to presence of phenolic group reactions. सबसे पहले अपने किसकी reactions पढ़ेंगे, phenolic जो group है उसकी reactions पढ़ेंगे। That means phenolic group, एक company group क्या कहलाएगा, phenolic group है, इसकी reactions पढ़ेंगे। दूसरा, second वाला जो part है, इसमें reactions पढ़ेंगे, reactions by benzene ring, benzene ring की reactions क्या होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी benzene ring के ऊपर OH group attached है, तो ये benzene किस type का behave करेगी, वो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस कहलाएंगी। ओके, दो टाइप की। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो इसमें अपने स्टडी करने वाले हैं, वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस, ओके बेटा, तीन टाइप की रिएक्शंस है फिनोल के द्वारा दी जाती हैं। फर्स्ट वाली जो रिएक्शंस अपनी है वो रिएक्शंस है प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप के अंदर ये फिनोलिक फॉर्म है, ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दे सकता है, वो वाला प्रोसेस इसमें रहेगा, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा, इस फिनोलिक वाले पार्ट में देखें तो बेंजीन रिंग भी तो है, दैट इज प्रेजेंट बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी रहेंगी उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन। और एक थर्ड टाइप की है इसमें कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस किस कारण से आती हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। इसके अंदर क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है इसमें क्या होगा, H2 अणु वगैरह जो बनते हैं, ये मोलिक्यूल से बाहर निकलते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर आते हैं। ओके, ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला पार्ट अपना रहेगा, ये कंडेंसेशन वाला पार्ट है, उसको वन बाय वन अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी स्टडी केमिकल प्रॉपर्टी में अपन जो आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट वाला जो है पार्ट है प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ओके, आज अपन स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फिनोलिक पार्ट है, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप रिएक्शंस है, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप रिएक्शंस है। फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शंस में फर्स्ट जो रिएक्शन अपने पास में है वो एक ही रिएक्शन है, और दैट रिएक्शन इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फर्स्ट ऑफ रिएक्शन है इसकी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिक नेचर होती है, किस टाइप का फिनोल है वो है, न्यूट्रल है, एसिड है, बेस है, एसिड है तो किस टाइप का है, वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच टाइप में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ओके, इट हैव वन हाइड्रोजन, इट हैव OH ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन रिमूव इट फॉर्म ए आयन, दैट इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन।
क्या कहलाएगा, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। एच प्लस आयन के रिमूव करने से इसका फॉर्मेशन हो रहा है ओ माइनस, दैट इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन। फिनॉल से फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ, किस प्रोसेस के आधार पे हुआ? H प्लस आयन निकलता है तो फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, और H प्लस का मतलब होता है एसिड। सो फिनोल की नेचर कैसी होती है? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा है? एसिडिक नेचर का होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक नेचर, वीक और स्ट्रांग, बिकॉज इट गिव वेरी हार्डली एच प्लस आयन। क्या होता है? एच प्लस आयन को यहाँ से रिमूव करना क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है, दैट मीन्स इजी होता है। दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो हार्ड होगा या इजी होगा। एच प्लस आयन को रिमूव करने के बाद जो आयन बनता है वो है फिनोक्साइड आयन। कौन सा है? दैट विल बी फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन बनने के बाद इस वाले प्रोसेस में रेजोनेंस पाया जाता है। क्या होता है? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस होने के कारण इस वाले में क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? रेजोनेंस होने से इसमें क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। दैट मींस स्टेबिलिटी का मेन रीजन क्या है? फिनोक्साइड आयन होता है। फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होने के कारण है ये मोर स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू किसके, फिनोलिक फोरम की तुलना में। इसलिए अगर ये एच को यहाँ से रिमूव कर दे तो कौन सी फोरम बन जाएगी? फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एच को किस टाइप से निकाल सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सबसे पहले किसको यूज करेंगे? बेस। OH आएगा, यहाँ से H होगा, बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। ये कहलाती है एसिड बेस रिएक्शन। क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो गया, H प्लस आयन इजीली निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वेरी इजी प्रोसेस। क्या होगा? जो इजी निकलते हैं एच प्लस आयन तो कैसे कहलाते हैं? वीक। कैसे कहलाएंगे? दैट विल बी वीक। एच प्लस आयन दे रहे इसलिए कैसा कहलाएगा? एसिड। सो फिनोल कैसा होता है? फिनोल नेचर विल बी एसिडिक, बट कौन से टाइप का? वीक एसिड। कैसा होगा ये? वीक एसिड प्रवृत्ति का होगा, यानी ये कैसा होगा? वेरी वीक एसिड होगा। क्यों? बिकॉज हेयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन इफ एच प्लस रिमूव फ्रॉम हेयर, एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन गिव रेजोनेंस, और बाय रेजोनेंस इट विल बी बिकम्स मोर स्टेबल कंपेयर टू ईस्ट फोरम। क्वेश्चन क्या है यहाँ से? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल Why? और इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है यहां पर है, फिनोल इज वीक एसिड, Why? फिनोल वीक एसिड होता है क्यों? दोनों टाइप से क्वेश्चन में भी, और Which will be more stable? Which will be more stable? More stable कौन होगा? Phenol और phenoxide आयन, and why और क्यों? दोनों में से कौन अधिक stable होगा? Phenol या फिनोक्साइड आयन? रीजन क्या रहेगा? सेम रीजन है। फर्स्ट वाले में कौन अधिक स्टेबल रहेगा भाई?
फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या फायदा है, रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस होने से क्या फायदा मिलेगा, रेजोनेंस होने से एक फायदा है, दैट विल बी प्रॉफिट, इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, सो स्टेबिलिटी कम क्या आएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी कंपेयर टू जनरल फॉर्म ऑफ फिनोल। सो इट इज एग्जिस्ट इन फिनोक्साइड आयन फॉर्म। अब देखो फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करने के लिए सो क्या करना पड़ेगा, एच प्लस आयन को रिमूव करना पड़ेगा। एच प्लस आयन को रिमूव करना है इसको, तो एच प्लस आयन है वो इजीली निकल जाता है इसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इजीली रिमूव हो जाता है। सो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और इजीली होने का मतलब है ये कैसा एसिड है, वीक नेचर का एसिड होता है। दैट मीन्स यू कैन सी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन एंड फिनोल। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड फिनोल इज वीक एसिड। वाई, ड्यू टू प्रेजेंस इन द बेस एच प्लस आयन रिमूव वेरी इजीली। सो फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन विच हैव रेजोनेंस, सो इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज वीक एसिड बिकॉज एच प्लस आयन रिमूव वेरी फास्ट, नॉट वेरी इजी बट डिफिकल्टली, क्योंकि यहाँ से H प्लस आयन का निकलना इतना आसान नहीं है। अगर फास्ट निकलता है, फास्ट अगर H निकलता है तब तो कहलाता है स्ट्रॉन्ग, अगर स्लो निकलता है तो वो कहलाता है वीक। दैट मीन्स यहाँ से H प्लस आयन वेरी वीक भी निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन एटम से अटैच है, ऑक्सीजन एटम है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये किससे अटैच है भाई, कार्बन से, कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है। एच प्लस आयन जो है उसको निकालना तो आसान है, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोर, मोर विल बी डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट बट इन द फॉर्म ऑफ दिस इट कम इन रेजोनेंस एंड इट गेट स्टेबिलिटी। सो इट्स रिमूव स्लोली, सो इट विल बी वीक एसिड, कैसा होगा, वीक एसिड प्रवृत्ति का होता है। सो वी सी डिफरेंट टाइप फिनोलिक रिएक्शंस इन दिस पार्ट, वी सी द नेचर ऑफ फिनोल, विच टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिक नेचर होती है वो किस कारण से होती है, वो अपन इसके अंदर पार्ट में देखा है। अब अपन बात करेंगे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फिनोल, फिनोल का जो ऑर्डर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, किस आधार पे फिनोल होगा वो अम्लीय होगा, ये सारी प्रवृत्ति का होगा, एसिड होगा या बेस होगा। देखिए टू कंपाउंड्स आर गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सी दैट इज फिनोल। अब फिनोल जो होता है उसकी एसिडिक नेचर क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, उसके दो तीन रीजन अपने को मिलेंगे, वो कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ऑलरेडी मेन रीजन एसिडिटी क्या है, मेन रीजन ऑफ एसिडिटी इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी एसिडिटी का रीजन क्या है, ये एसिडिक प्रवृत्ति का क्यों होता है, उसका फर्स्ट रीजन क्या है, बेटा इसके बहुत से रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें तो इसका फर्स्ट रीजन है इसकी कि ये वाला जो कंपाउंड है अगर ये H प्लस आयन यहाँ से रिमूव कर देता है इस वाले से, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है बेटा O माइनस, दैट इज फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इस टाइप से यू कैन सी कम्प्लीटली दैट विल बी कम हियर, that will be come here in resonance and formation of resonating structures, it will be resonating structure of phenol, where non pair comes positive charge, there will be negative charge separations one by one, in this process you can see the resonating structure of this, resonating structure of this become negative charge one by one. You also see
डबल बॉन्ड ओ ओ पॉजिटिव एंड लास्ट फाइनली इट कम्स अगेन फॉर्मेशन ऑफ इनऑक्साइड आयन बाय द डीकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके तो यू कैन सी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन कौन कौन सी पोजिशन है बेटा इसकी इसके आधार पे देखिए तो ये ऑर्थो है ये मेटा है ये पैरा है इधर से देखिए तो ऑर्थो है ये कौन सी है मेटा है कौन सी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी देयर विल बी कम नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पोजिशन ये वाला यहाँ पर हो जाएगा ये वाला ब्रेक यहाँ पे होगा ये यहाँ पे रिमूव हो गया ये नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजिशन के ऊपर ऑर्थो वाली पे यहाँ पर भी कौन सी पोजिशन है ऑर्थो के ऊपर और कौन सी वाली पोजिशन पे आ रहा है इस वाली इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज क्या होता है डीकोलाइज होता है पहला रीजन क्या हो गया फर्स्ट रीजन क्या है इसकी स्थिति का फर्स्ट रीजन है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है कौन सी फोरम में जब ये फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है कौन सा फॉर्मेशन करता है फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है ओके इन दिस पार्ट वी सी द केमिकल रिएक्शंस व्हाट इज द रीजन ऑफ फिनोक्साइड आयन फॉर्मेशन और व्हाट इज मोर स्टेबल फोरम ऑफ फिनोल फिनोक्साइड एंड फिनोल दैट विल वी सी इन नेक्स्ट वी सी द सेकंड रीजन The second region of this, that is the more electronegative atom, second region is a more electronegative atom, that is oxygen. देखिए यहाँ पर कौन जुड़ा बेटा ये वाला कार्बन है इसका संघन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज क्या है ये sp2 कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन के अंदर है और इस वाले में देखें तो यहाँ पर दो पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है ये क्या है ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या करेगा इस वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ रिमूव होते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जैसे रिंग में ये डीकोलाइज होते हैं नॉन पेयर्स तो ये एच जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेता है ऑक्सीजन एटम विड्रॉ करता है इनसाइड की तरफ तो एच प्लस आयन क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा इसलिए एच प्लस आयन जैसे यहाँ से निकलता है एच प्लस आयन निकलने का मीन्स क्या हो गया दैट इज एसिडिक इस नेचर का हो गया ये एसिडिक नेचर का हो गया और एसिडिक नेचर होने का दूसरा रीजन क्या रहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी और तो पैरा पे आ गया रेजोनेंस के थ्रू पहला रीजन आपको जो मिल गया वो रेजोनेंस था दूसरे वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो फॉर्म था उसके बेस के आधार पे दूसरा रीजन आपको यहाँ पर मिल जाता है ये तो इसकी एसिडिक नेचर का प्रभाव था तीसरा इसमें जो रीजन आता है अपने पास में वो आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो ग्रुप आए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है एक ऐसा होता है विड्रॉइंग ग्रुप होता है इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे ओके तो आज के लिए इतना ही काफी है फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल और केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल में फर्स्ट वाला अपन देखा है फिनोलिक पार्ट की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस है उसमें से फर्स्ट देखा है अपन ने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल फिनोल का एसिडिक नेचर किस कारण से होता है ये अपन ने इसके अंदर स्टडी किया है ठीक है नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें तीसरा क्या रीजन होता है कि ये एसिडिक प्रवृत्ति का होता है तो आज के लिए इतना ही गाइस दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे वी स्टडी नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच